हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई मैं आप लोगों के लिए MIUI और HyperOS के लिए एक बहुत ही कूल नरूटो सेटअप लेकर आ गए हूँ। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक नरूटो वॉलपेपर को यूज किया है, साथ में यहाँ पर आइकॉन्स को मैंने राइट साइड में प्लेस किया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और लेफ्ट साइड में है एक WGT WZ जिसमें एक कोटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा टाइम के साथ, और विजेट का कलर वॉलपेपर के कलर के साथ मैच भी होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें लॉक स्क्रीन की तो HyperOS में आपको कुछ इस टाइप का लॉक स्क्रीन मिल जाएगा आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही कूल लगता है। यहाँ पर भी मैंने वॉलपेपर और विजेट के कलर को मैच किया है जो कि काफ़ी सही लगता है। और बात करें यहाँ पर MIUI की तो आप देख सकते हो MIUI में कुछ इस टाइप का लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस नोटो सेटअप को अपने MIUI और HyperOS डिवाइस में सेट कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो इस नरूटो सेटअप के लिए सबसे पहले आपको वॉलपेपर को डाउनलोड करना है। इस वॉलपेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने किसी ऐप से डाउनलोड नहीं किया है, इसे मैंने खुद AI के हेल्प से क्रिएट किया है बिंग ऐप के अंदर। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले होम स्क्रीन पर सेट कर लेना है। अब आप देख सकते हो तो हमारा जो वॉलपेपर है वो होम स्क्रीन पर सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन आइकॉन्स को प्लेस करना है, साथ में यहाँ पर जो होम स्क्रीन विजेट है इसे रिमूव करना है होम स्क्रीन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें 4 ऐप्स को राइट साइड में प्लेस करना है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नेम शो रहा है ऐप का इसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर पिंच करना है, देन जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पोको लॉन्चर में डोंट शो टेक्स्ट, इसे यहाँ पर एनीवेयर पर सेट करना है। तो ये बस HyperOS में ही होता है। यहाँ पर नेम जो है आप देख सकते हो रिमूव हो चुका है, बट हाँ पोको लॉन्चर की इस वर्जन को आप MIUI 14 में भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो कैसे करना है मैंने इस वीडियो में बताया है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और आप कुछ इस तरीके से ऐप्स को प्लेस कर पाओगे विदाउट ऐप नेम्स। अब हमें जाना है थीम स्टोर पे और एक थीम डाउनलोड करना है जो कि है RB154 बाई डिजाइनर मोहम्मद सोभी, और इसकी आइकॉन्स को हमें होम स्क्रीन पर अप्लाई करना है। आइकॉन्स अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो सेटअप है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बस विजेट को यहाँ पर ऐड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा KWGT। तो यहाँ पर हमें जाना है विजेट सेक्शन पे, सर्च आइकन पर टैप करना है, देन यहाँ पर एंड्रॉयड विजेट्स पे जाना है और यहाँ पर हमें फाइंड करना है KWGT सेक्शन को, और एक विजेट इस तरह से होम स्क्रीन पर प्लेस करना है। और आप यहाँ पर साइज देख लो मैं कितना रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको भी साइज को रखना है। तो आप देख सकते हो कुछ इतना इसकी साइज को रखना है। अब हमें विजेट के ऊपर टैप करना है, देन यहाँ पर जो विजेट हम यूज करने वाले हैं वो है मिनिमल KWGT से, और विजेट नंबर है 48। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है 48 FORTY, सिर्फ 40 लिखने पर भी आ जाता है आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 48 नंबर का जो विजेट है वो आ चुका है, इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो विजेट का कलर है ये व्हाइट है, हमें इसे चेंज करके डार्क करना है। तो यहाँ पर ओवरलैप ग्रुप पर टैप करना है, देन स्टैक ग्रुप पर, देन यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, जाना है यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे और इसके कलर को जो है डार्क पर सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे पर्पल कलर का शेप है इसके कलर को चेंज करना है, यहाँ पर टैप करना है, देन प्रिंट ऑप्शन पे जाना है और इसके कलर को वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देन हमें बैक करना है, फिर से बैक करना है, और यहाँ पर जो नीचे संडे लिखा है इसके कलर को भी हमें ब्लैक करना है। तो आप देख सकते हो अब कलर चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बैक करना है, फिर से बैक करना है, फिर से बैक करना है और यहाँ पर जाना है लेयर ऑप्शन पे और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करना है। तो इसकी साइज को हमें इंक्रीज करना है और इसकी साइज को मैं रखूँगा अराउंड 94 पर, तो कुछ इतना इसकी साइज को रखना है। उसके बाद हमें जाना है आइटम्स पे, देन जाना है ओवरलैप ग्रुप पे, देन पोजीशन पे, और इसे थोड़ा लेफ्ट की तरफ लाना है, साथ में थोड़ा ऊपर भी ले जाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए एक्स ऑफसेट को यहाँ पर डिक्रीज करना है अराउंड 40 पर, और इसे भी थोड़ा डिक्रीज करना है अराउंड -76 पर। वाई ऑफसेट को सेट करना है, उसके बाद विजेट को सेव करना है और जाना है होम स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो हमारा जो होम स्क्रीन सेटअप है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है।
देखो लॉक स्क्रीन के लिए जो वॉलपेपर हम यूज़ करने वाले हैं वो वॉलपेपर ये है। इसे भी मैंने बिंग इमेज क्रिएटर के अंदर क्रिएट किया है। तो हमें जाना है यहाँ पर हाइपर ओएस के अंदर लॉक स्क्रीन पे और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन अनलॉक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे जाना है मैगजीन ऑप्शन पे। देन यहाँ पर ये जो विजेट है इसे हम यूज करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर टैप करके हमें वॉलपेपर को चेंज करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसके कलर को भी चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर टैप करना है, देन कलर पर टैप करना है और यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मिनट के कलर को चेंज करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट करना है। हमारा जो वॉलपेपर है वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग आप विजेट के कलर को भी मैच कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो विजेट के कलर वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग मैच हो चुका है। तो यहाँ पर इसे अप्लाई कर लेना है और आप देख सकते हो हमारा जो लॉक स्क्रीन है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है हाइपर ओएस के लिए। अब मैं बताता हूँ MIUI के लिए। तो यहाँ पर मैं लाता हूँ MIUI डिवाइस। देखो MIUI के लिए भी हम सेम वॉलपेपर ही यूज करेंगे, बस यहाँ पर एक थीम हमें यूज करना है लॉक स्क्रीन के लिए। तो वॉलपेपर तो थीम का नाम है जीसस SI बाय डिजाइनर पीयूष KPB। इसे आपको डाउनलोड करना है और अगर आपको पता नहीं है कि हम कैसे MIUI थीम के साथ थर्ड पार्टी वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट करना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो और यहाँ पर लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करके थीम को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर थीम का वॉलपेपर अप्लाई नहीं होगा, हमने जो वॉलपेपर सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो MIUI में लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप का लगे। तो ये था एक कुल नोरूटो सेटअप। अगर आपको टर्म सेटअप के ऊपर वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और अगर MIUI विजेट्स के बारे में जानना है तो आप राइट साइड के वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।